हंसी और ठाकों के लिए आपको लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, आपके भीतर हंसी होती है, हंसी बाहर निकल के आती है। पिछले दिनों मैं सिंगापुर घूमने गया, मैं मेरी बीवी हम दोनों घूमने गए। आपने देखा होगा सिंगापुर जब जाते हैं, अतुल जी आप भी गए हैं कई बार, आपने देखा होगा हम रात रात भर सफारी में बिठा के घुमाते हैं, नाइट सफारी जंगल में घुमाते हैं। अचानक उस सीन देख के मेरी धर्मपत्नी बोली, आपको पेड़ पर चढ़ना आता है? मैंने कहा नहीं आता है। बोले फिर तो आपसे बंदर अच्छे। अतुल जी हंसने की बात नहीं है, मैं डिप्रेशन में आ गया भाई साहब। मैं उज्जैन में जाके, मैंने जंगलों में जाके फुदक फुदक कर पेड़ पर चढ़ना सीख लिया। 15 दिन बाद पत्नी के सामने खड़ा होकर बोला, अब मुझे पेड़ पर चढ़ना आता है। पत्नी बोली, अब तुझ में और बंदर में कौन सा फर्क रह गया? हंसने के लिए आपको लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। मेरा पड़ोसी राधे लाल कल प्रातः काल अपनी पत्नी को गोदी में उठाकर घूम रहा था। यह दृश्य देखकर मैं चीखा चिल्लाया, मैंने कहा राधे लाल क्या महाराज ने प्रवचन में यही बताया? वो बोले ना, महाराज ने तो कहा था अपने दुखों को खुद ही उठाना सीख ले, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं अतुल जी, आज कलम कैफी की आपने शानदार शुरुआत की है। मैं तो अपने दर्शकों को भी कहता हूँ कि आपको अगर हंसना है, मुस्कुराना है, ठाके लगाना है तो देखते रहिए कलम कैफी। आइए फिर एक सिप और लेते हैं। कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी, ये परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन क्यों आ रहे हैं? जो इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथों में है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये हमारी संस्कृति की हिफाजत करेगा, ये हमारी रवायत की हिफाजत करेगा, लेकिन इसने हमारी संस्कृति को डिटोरिएट कर दिया। तब चार पंक्तियां कहने का मन बनता है, तब कहता हूं कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, लिबास दोस्ती के सिलो अच्छा लगेगा। अरे फेसबुक पर मिलते हो फालतू लोगों से, लेकिन गांव जाकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा, गांव जाकर सगे भाई से। एक बार फिर कलम कैफे के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।